वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लो डाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की किस न्यूज से नेटिजंस हो गए कंफ्यूज? सलमान खान ने किस तरह का नया इनिशिएटिव शुरू किया? क्या आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को ऑलरेडी हो चुका है 15 करोड़ का नुकसान? सलमान खान की है ये एक और कोशिश उन सभी की मदद करने की जिन्हें लॉकडाउन की वजह से हंगरी रहना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान बीइंग हैंगरी नाम के इस फूड ट्रक को फंड कर रहे हैं, जो जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहा है। सलमान खान की ये कोशिश है कि ये ट्रक उन जगहों पर पहुंचे जहां लोगों को मदद की अर्जेंट जरूरत है। And we think this is a very noble idea in a time of crisis. सलमान खान ने अपने फार्म हाउस से कई बुलक कार्ट्स और गाड़ियों में फूड पैकेट्स रखकर उन्हें फार्म हाउस के आसपास के इलाके के लोगों की मदद की थी। सलमान खान के इस नोबल इनिशिएटिव को जैकलीन फर्नांडिस, उलिया वेंटूर, वलूशा डिसूजा और निकेतन मधोक ने भी सपोर्ट किया है और इस वीडियो में ये सारे सेलेब्स नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन, थैंक यू ऑल @JacquelineF143, @VanturUlia, @RahulNarayanKanal, @IamKamalKhan, @NiketanM, @Valusha, @Abhiraj88। सलमान खान इस मुश्किल की घड़ी में जिस तरह से दिल खोलकर डोनेशन कर रहे हैं, ये किसी से नहीं छिपा। सलमान खान ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के लगभग 25,000 डेली वेज अर्नर्स के अकाउंट में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करके उनकी मदद की है। यही नहीं, सोर्सेस के मुताबिक सलमान खान ने और भी 7,000 लोगों की मदद करने का फैसला किया है बाय डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द अमाउंट इन देयर अकाउंट। सलमान खान के करीबियों का कहना है कि वो दिन रात फिलहाल इसी सोच में लगे रहते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में वो लोगों की किस तरह से मदद करें। सलमान खान ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है जिसके जरिए वो लोगों की मदद करेंगे। वेल, सलमान खान की यही वो दरियादिली है जिसकी वजह से वो पूरे देश में अपने फैंस के इतने करीब हैं। और उनके नोबल जेस्चर्स को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि भाईजान है नॉट रियल बट रियल लाइफ हीरो। माय बडी हैज फॉलोड मी हियर एंड ही थिंक्स दिस मैट is set up for him, so I don't know what to do, but
he seems quite keen on joining me for my workouts. Are you? You wanna work out? Yeah. You wanna work out? Okay, let's get to work. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वेंसडे मॉर्निंग अपने फेवरेट पेट ब्रूनो के गुजर जाने की सैड न्यूज की शेयर और विराट अनुष्का के फैंस ने रेस्ट इन पीस ब्रूनो को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन इस ट्रेंड की वजह से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन शुरू हो गया। दरअसल अमेरिकन सिंगर ब्रूनो मार्स के फैंस को लगा कि उनका फेवरेट सिंगर इस दुनिया में नहीं रहा। यही वजह है कि आरआईपी ब्रूनो हर जगह ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जब इस ट्रेंड को ब्रूनो मार्स के फैंस ने फॉलो करना शुरू कर दिया तब उन्हें पता चला कि यहाँ विराट और अनुष्का के पेट ब्रूनो की बात हो रही है। विराट ने आज सुबह ब्रूनो की डिमाइस की न्यूज को शेयर करते हुए लिखा, रेस्ट इन पीस माय ब्रूनो, रेस्ट आवर लाइव्स विद लव फॉर 11 इयर्स, बट मेड अ कनेक्शन ऑफ अ लाइफ टाइम, गॉन टू अ बेटर प्लेस टुडे, गॉड ब्लेस हिज सोल विद पीस। Whereas Anushka shared a picture with the caption, Bruno, rest in peace, adding 3 black heart emojis. Well, Virat Anushka ke is post ke aane ki der thi. Fans ne hazaaron messages social media par post kar diye aur rest in peace Bruno trend karne laga. इस ट्रेंड पर शुरू हुए कंफ्यूजन के बाद एक यूजर ने लिखा, When RIP Bruno is trending, I thought like, My favorite singer is no more, but I'm equally sad to hear Virat Kohli's loss. Another user wrote, Damn you Twitter, RIP Bruno trending gave me a little heart attack. At Bruno Mars came to my mind. एक यूजर ने RIP Bruno trend पर शॉक होकर ट्वीट किया, WTH, I just thought it. Hashtag Bruno Mars. RIP Bruno gave me another shock after too many in 2020. एक और यूजर ने लिखा, Damn, that RIP Bruno is for Kohli's dog, not for Bruno Mars, SMH. And surprisingly, wasn't shocked much, cause 2020. And here are some other similar posts. I just saw RIP Bruno trending on Twitter and I was about to get a mini heart attack because I thought Bruno Mars died. Damn it, Twitter, I saw RIP Bruno trending and I almost had a heart attack, TBH. Well, after following the news, singer Bruno Mars ke fans ko pata chal gaya ki yahan kis Bruno ki baat ho rahi hai. लेकिन इस ट्रेंड से ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है और उनके एक ट्वीट से सोशल मीडिया ट्रेंड तक शुरू हो जाता है। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को ऑलरेडी हो चुका है 15 करोड़ का नुकसान। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली को हुआ काफी बड़ा लॉस। संजय लीला भंसाली इज नोन टू बी अ परफेक्शनिस्ट और अपनी फिल्म्स को परफेक्ट बनाने के लिए वो फिल्म के सेट्स को काफी ह्यूज एंड लाविश रखते हैं। ऐसे में आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट को भी संजय लीला भंसाली ने अपनी पिछली फिल्म की तरह काफी खूबसूरत और बड़ा बनाया था। लेकिन कोरोना वायरस के चलते शूटिंग रुकने के कारण अब इस सेट को रखना संजय लीला भंसाली को पड़ रहा है काफी महंगा और इसलिए अब इस सेट को डिमोलिश किया जा रहा है। दरअसल फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के ह्यूज सेट को मुंबई के फिल्म सिटी में लगाया गया था और इस सेट का डेली रेंट काफी ज्यादा है। अब कोरोना वायरस की वजह से फिल्म की शूटिंग तो रुकी हुई है लेकिन डेली रेंट के तौर पर संजय लीला भंसाली को भारी भरकम बिल्स पे करने पड़ रहे हैं और ये भी साफ नहीं है कि कब तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर ट्रेड सोर्स का कहना है,
It's a good decision on his part because it's still unclear if the shoot will begin anytime soon. The producers are still paying daily rent for the set to Film City. They have now calculated that even if the shoot resumes somewhere around September-October, as is being discussed, it will be a more practical call to demolish the set now and create a similar one again. Also, the trade pundit pegged the losses at Rs 15 crores at least. It would be a smaller loss compared to if they continued to keep this set. Monsoons will hit the set bad and will anyway get destroyed. So paying regular rent is not feasible. Constructing a new set is what still seems to be a better option here. The set is huge and reflects Kamathipura from the 60s, so it will take another 12 to 13 crore rupees to build it again. The remaining 2 crore rupees is the sum that the makers have lost because of the lockdown and the coronavirus outbreak. हालांकि इस न्यूज पर फिलहाल संजय लीला भंसाली की टीम की तरफ से कोई कमेंट नहीं किया गया है। वैसे पूरे बॉलीवुड को कोरोना वायरस की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और ये नुकसान लगभग 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अर्जुन रामपाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया केओटिक वीडियो। अर्जुन रामपाल ने गवर्नमेंट से की अपील टू स्टॉप द सेलिंग ऑफ लिकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब से लिकर स्टोर्स को खोलने का फैसला किया है, देश के हर पार्ट से कुछ ऐसे ही विजुअल्स सामने आ रहे हैं। और अब अर्जुन रामपाल ने भी इसी तरह के वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि इन लोगों को लिकर की नहीं बल्कि ट्रैशिंग की जरूरत है। अर्जुन रामपाल का ये सोशल मीडिया पोस्ट काफी परेशान करने वाला है क्योंकि लिकर शॉप के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर अल्कोहल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अर्जुन रामपाल ने लिखा, Outside liquor stores, as they have been opened, I urge the government to please stop this immediately. This is absolute chaos and there is no level of discipline being maintained or any kind of social distancing. These guys deserve a trashing, not drinking. Hashtag bad move. Hashtag stop liquor menace. इससे पहले एक्ट्रेस मलिका शरावत ने भी कुछ इसी तरह का वीडियो शेयर किया था जहां लिकर के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। एक्ट्रेस मलाइका अरोरा ने भी लिकर स्टोर्स के बाहर फैले केओस को लेकर अपनी चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। I still don't get what was the need or desperation or necessity to open liquor shops. Bad, bad idea. Only gonna create more chaos, domestic abuse, child abuse. Well, celebs की इस अपील का कम से कम मुंबई में फायदा हुआ है क्योंकि यहाँ BMC ने लिकर सेल पर फिलहाल के लिए बैन लगा दिया है। BMC ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि जिस तरह लोग लिकर शॉप्स पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं उससे कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ सकता है और यही वजह है कि फिलहाल के लिए लिकर शॉप्स को बंद करने का फैसला किया गया है। वैसे देश के बाकी हिस्सों में अभी भी लिकर सेल जारी है और लोग इसी तरह का केओस क्रिएट कर रहे हैं।
मित्रा हैं बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉलेस डांसर। सानिया's किलर मूव्स आर सिंपली ऑसम। और अब सानिया के सुपर डांस से इम्प्रेस हो गए हैं गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी। सिद्धांत चतुर्वेदी को सानिया मल्होत्रा के डांस मूव्स इतने ज्यादा पसंद आए कि ही रिप्लाइड टू दिस वीडियो विद अ फायर इमोजी। वैसे सिद्धांत चतुर्वेदी ही नहीं, सेलेब्स लाइक नीपी मोहन, कृति खरबंदा, मृणाल ठाकुर, ताहिरा कश्यप एंड मेनी मोर आर सिंपली लव स्ट्रक टू सी सानिया मल्होत्रा इन हर डांसिंग क्वीन अवतार। वैसे सानिया मल्होत्रा है एक ट्रेन्ड डांसर एंड शी ऑफन पोस्ट्स दीज अमेजिंग डांस वीडियो ऑन सोशल मीडिया एंड हियर आर सम अमेजिंग डांस परफॉर्मेंसेस ऑफ सानिया। मल्होत्रा ने अब तक ढेर सारे इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लाइक दंगल और बधाई हो में काम किया है, लेकिन सानिया मल्होत्रा का ड्रीम है टू वर्क इन अ डांस फिल्म एंड उनके डांस मूव्स को देखकर यही लगता है कि शी विल डू कंप्लीट जस्टिस टू दिस रोल। वैसे जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में भी सानिया मल्होत्रा ने कहा था कि वो लॉकडाउन के ठीक बाद किसी डांस फिल्म पर काम करना चाहेंगी। कैसी फिल्में मैं करना चाहूंगी? Or I've also been touch wood. I've been dancing a lot, so I'm also manifesting a dance movie. I'm just hoping ki jab sab sahi ho jaye to mujhe ek achhi dance movie mile aur main bahut sara dance kar sakun. So I'm just sitting and being very positive. Well, Sanya Malhotra's love for dance kisi se nahi chupa. And with her dance videos, she's trying to make a point ki directors or filmmakers kare unhe dance film offer. अर्जुन कपूर के कुछ लकी फैंस को मिला था मौका टू गो ऑन अ स्पेशल डिजिटल डिनर डेट विद देयर फेवरेट स्टार। इस डेट पर अर्जुन कपूर ने खुलकर अपने फैंस से किया था इंटरैक्ट और फैंस के हर सवाल का दिया था जवाब। और अब अगर आप इसी तरह की स्पेशल डिजिटल डेट पर जाना चाहते हैं, तो परिणीति चोपड़ा के पास है एक स्पेशल ऑफर फॉर ऑल हर फैंस। परिणीति चोपड़ा ने अनाउंस किया है कि वो एक कॉफी डेट पर जाएंगी विद हर फैंस और उसके जरिए परिणीति चोपड़ा करेंगी एक नोबल कॉज को स्पॉन्सर। इन अ पोस्ट शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम परिणीति रोट, यू से कॉफी, आई से विथ मी, एट फैन काइंड ऑफिशियल, एट गिव इंडिया एंड आई हैव कम टुगेदर फॉर योर चांस टू गो ऑन अ वर्चुअल कॉफी डेट विथ मी। All you have to do is log on to fankind.org/Pariniti and help provide ration kits with essential food supplies for daily wage laborers who are struggling to feed their families. Pariniti Chopra ne Arjun Kapoor ki tarah hi unki sister Anshula Kapoor ke NGO ke saath tie-up kiya hai for this cause. Pariniti ka aage kehna hai, 5 lucky winners will get a chance to go on a super fun virtual coffee date with me. No one should go to sleep hungry. So let's come together to feed the less privileged. And to make our impact even bigger, ATE Chandra Foundation will be adding 25% of the total donation we raise as a matching amount, thereby multiplying our impact. You, me, and latte fun. So donate now. Well, परिणीति चोपड़ा का ये ऑफर है शानदार और अगर आप भी हैं परिणीति चोपड़ा के फैन तो डोनेट जेनरसली फॉर दिस कॉज। वैसे परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर की फिल्म संदीप और पिंकी फरार कोरोना वायरस पैंडेमिक से इफेक्ट होने वाली सबसे पहली फिल्म्स में से एक है। ये फिल्म 20th मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन COVID-19 पैंडेमिक की वजह से इसकी रिलीज डेट को पुश कर दिया गया। सोर्सेस का कहना है कि इस फिल्म के मेकर्स अभी भी होपफुल हैं टू रिलीज दिस फिल्म इन थिएटर्स, लेकिन अगर पैंडेमिक की वजह से थिएटर्स नहीं खुलते तो ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलीज हो सकती है।
ऑन द शो. सोनाक्षी सिन्हा ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट. Welcome to Speak Easy, Sonakshi. It's always so much fun chatting with you, and it's so bright and sunny, and you look amazing. And thank you. So do you, Rudrani. And it's so nice to see you after so long. Yeah. Even though it's virtually. Virtually. This is the world that we live in now, and this is how we're going to communicate for some time. Yeah. But how has this quarantine life been for you? Have you picked up any new skill? Have you done something that you haven't done before? Not something I haven't done before, but I've rediscovered my love for sketching and painting, which is something I had stopped doing in the middle. Kind of just let go of it. Now, of course, because of so much free time on our hands, you're always looking for things to do that will make you feel productive, because the days are just going by like, you know, you're sleeping at any time, waking up at any time. So every time I find something that I can do that's going to keep me busy for a bit, I do that. I've been catching up on movies and my shows. I've been, you know, reading up a lot on the internet, chatting with my friends, spending time with the family, of course, which is such a nice, you know, way to spend the day. Yeah. So, yeah, I think quarantine has been good for me so far. So you've not been going through all the, you know, the issues that others have been, because you're like, you were telling me some time back, you are a homebody, like you like spending time. Yeah, I love being at home. Like my life without quarantine, this enforced quarantine is also like quarantine, only because like when I'm not working, I want to vegetate. I don't want to do anything all day. I want to do what I'm doing exactly right now. But except that time we had a choice to go out or not go out. This time we don't have a choice. So it's been, you know, enforced upon us. But we have to comply, yeah, because look what's going on in the world. And honestly, like, you know, when you look around you, you see how fortunate you are, just if you have a roof over your head and if you have food on your plate. So, yeah, I think we are very, very fortunate. And as much as we can do to help others, we really should, sitting at home. And you've been doing your bit as well. I know that you've been helping this organization to collect money for getting more PPE kits for health workers and health professionals. You know, there's a scarcity of kits that's going to really help them. Tell us a little more about that as well. You know, sitting at home, honestly, I'm sure a lot of us are feeling very, very helpless because there's not much else that we can do. But I don't believe that. I think that, you know, even sitting at home, we can make our contributions following the guidelines. Of course, lockdown is in order, but you do get out to get your essentials. You do get out to get your groceries and, you know, go to the bank or whatever. But wear your gloves, wear your mask. If you're cooking meals at home, cook an extra meal. Give it to a person who needs it, you know, probably sitting outside your house. Other than that, for me, when I heard that, you know, the hospitals were falling short of these PPE kits and the doctors were falling sick because of that. And, you know, once the doctors and nurses and the medical staff get the virus or are even suspected of getting the virus, they are put into quarantine for 14 days. So who's going to take care of the patients? So I feel, you know, it's really the need of the hour. And when I realized that I could help out in a certain way by gathering my fans, my followers, you know, to kind of contribute a small amount, but which will go a long way, I said I should do that. You know, it's been a very sort of thought-provoking time as well, right? Everybody sort of has noticed things about themselves, about their friends, about the environment. Things have been going so great. Yeah. The environment is doing so much better without humans. Can you believe it? Yeah. Look at what we have done to our planet. It's thriving without us right now. Everyone's inside. Then nature is like thriving. It's really something to think about, you know, and it's something I feel very strongly about, which is the environment. And I hope that, you know, when things kind of get back to normal, we don't go to our old ways of, you know, just ruining the planet like how we've been doing for so long and remorselessly. In somewhere, I believe that this might also be nature's way of, you know, striking back or of setting things right. So we really need to, you know, mend our ways when things get back to normal.